चौक के कार्यक्रम में जा रहे चार लोगों की मौत हो गई। वे पांच अन्य लोगों के साथ ऑटो में सवार थे। ऑटो को ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रहे लोडिंग वाहन ने टक्कर मार दी। इसमें मां बेटे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ग्वालियर का अवाड़पुरा, आबकारी विभाग के कर्मचारी एक बाल बेग के घर बुधवार को सवा महीने की पोती का चौक था। घर में खुशियों का माहौल था। वे अपने रिश्तेदारों के आने का इंतजार कर रहे थे। पिछोर से सभी लोग ऑटो में बैठकर निकल भी चुके थे। दोपहर 1 बजे कॉल आया और घर में मातम पसर गया। उनकी 2 सालियां और भतीजा मारे गए। ऑटो ड्राइवर भी नहीं बचा। मारे गए लोगों में माँ बेटा भी है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों के सामने दम तोड़ा। हादसा ग्वालियर झांसी हाईवे पर हुआ। ऑटो को लोडिंग गाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने वाली लोडिंग में ऑक्सीजन सिलेंडर भरे थे। जिन चार लोगों की जान गई उन्हें मौत ही खींच लाई थी। दुर्घटनाग्रस्त ऑटो में 4 लोग ही बैठ सकते थे, लेकिन इसमें 9 लोग सवार थे। मृतका समीना, नफीसा और घायल अंजुम तीनों बहनें हैं। उनमें बड़े जीजा इकबाल बेग के घर ग्वालियर में पोती का चौक था। सभी को कार्यक्रम में आना था। तीनों के पतियों को त्योहार के चलते दुकान से समय नहीं मिल रहा था। तीनों परिवारों को अलग अलग आना था, लेकिन जीजा इकबाल बेग ने अवाड़पुरा में ही रहने वाले ऑटो ड्राइवर फिरोज खान को सभी को ले जाने भेज दिया। फिरोज ऑटो लेकर सुबह पहुंच गया था। वह एक एक कर तीनों परिवार को उनके घरों से लेकर ग्वालियर की तरफ आ रहा था। आंतरी के पास बजेरा पर यह हादसा हो गया। ऑटो में पीछे की सीट पर 4 लोगों के बैठने की जगह है। इसके बावजूद सभी 9 लोग एक साथ ऑटो में सवार हो गए। ओवरलोड होने के कारण ड्राइवर ढंग से ऑटो नहीं चला पा रहा था। रफ्तार भी ज्यादा थी। इसी समय सामने से लोडिंग ने टक्कर मार दी। टक्कर मारते ही समीउल्ला और उसकी मां नफीसा बाहर आकर गिरे। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। डबरा पिछोर के रावतपुर में रहने वाली नफीसा अपने बेटे समीउल्ला खान, बहन समीना समेत परिवार के 9 सदस्यों के साथ ग्वालियर आ रहे थे। ग्वालियर के अवाड़पुरा में आबकारी विभाग के कर्मचारी बाल बैग की पोती का चौक था।